हेलो माय गोइंकन स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। दिस इज कविता हेयर, योर हिंदी टीचर। आज हमारे इस वीडियो में हम करेंगे गिनती और दिनों के नाम। हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं गिनती और दिनों के नाम भी कर चुकी हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी आई हैं मेरे पास दिनों के नाम, जैसे आपने जिस फॉर्म में लर्न किए हैं, बहुत ही अच्छा। तो अब हमने इस वीडियो में करना है कि हम उसे अपनी फेयर नोटबुक में कैसे लिखें। क्लियर? गिनती हमने 1 से 10 तक की थी, आज हम हमारे इस वीडियो में करेंगे 1 से 20 तक गिनती। बट यदि हमें 1 से 10 तक बहुत अच्छे से लिखने आ जाती है गिनती, तो उसके बाद होता है ऐसा कि हम 100 तक गिनती तो बहुत आराम से लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे ही जो हिंदी अंक होते हैं उसमें भी 1 से 10 तक यदि आपको गिनती लिखने आ गई है तो आगे 11 से 20 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम लिखना सीखेंगे कि हमने अपनी फेयर नोटबुक में इस वर्क को कैसे करना है। यह है हमारी नोटबुक, मेरे पास 2 लाइंस वाली नोटबुक है, आपने 5 लाइंस वाली नोटबुक में अपना वर्क करना है। फर्स्टली मेंशन डेट, देन पेज नंबर, फिर आप कॉलम बनाएंगे गिनती 1 से 20। उसके बाद हमारे 3 कॉलम्स बनेंगे, अंग्रेजी अंक, हिंदी अंक, शब्दों में। ठीक है, अंग्रेजी अंक 1 से 20 आपने लिखनी है, मेरे एक ही पेज पे सभी आ गए हैं। बट आपके पास 5 लाइंस वाली नोटबुक है उसमें नहीं आएंगे एक पेज में, उसमें कम से कम आपके 3 और 4 पेजेस में ये वर्क आएगा। तो आपने क्या करना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं, अंग्रेजी अंक, हिंदी अंक, शब्दों में। अंग्रेजी अंक लिखेंगे 1 से 20, फिर हम लिखेंगे हिंदी अंक जो थोड़ी सी शेप जिसकी चेंज होती है, उसके बाद हम लिखेंगे इसको शब्दों में। क्लियर? ध्यान दीजिए, अंग्रेजी अंक, हिंदी अंक, शब्दों में। तो 1 से 20 तक आपने अंग्रेजी अंकों में लिखना है, उसके बाद हिंदी अंकों में लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है शब्दों में। अंग्रेजी अंक और हिंदी अंक वो आप को लिखने बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि 1 से 10 तक आप लिखना सीख चुके हो, 11 से 20 लिखने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने अभ्यास करना होगा शब्दों में इसको कैसे लिखना है। तो इसका आपने लिखना है, इसका अभ्यास करना है, फेयर नोटबुक में लिखना है और रफ नोटबुक में इसका अभ्यास जरूर करना है। जब आपका ये हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे दिनों के नाम, फिर से अपडेट मेंशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर लिखेंगे, देन लिखेंगे दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार और वीरवार, इन तीनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब ये काम आप कैसे करोगे, जहां पर आपका चैप्टर 4 बड़ा कैसे बनूं कंप्लीट हुआ है, उसके बाद आप लिखोगे गिनती। जब आपकी 1 से 20 गिनती कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप लिखोगे दिनों के नाम। और ये सारा काम आपने एक साथ नहीं करना है। मैंने दोनों की, गिनती और दिनों के नाम की, एक वीडियो बनाई है। बट आपने क्या करना है, आराम से जैसे आप काम आराम से कर सकते हो उस अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं कि एक ही दिन में सारा काम कर दो, नो, समझ के करना है, सुंदर राइटिंग में करना है। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आप ऐसे करेंगे 1 से 10 एक दिन काम करेंगे, देन उसके बाद 11 से 20 तक की गिनती, उसके बाद आप करेंगे दिनों के नाम। आप 1 by 1 जैसे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी मुझे वर्क सेंड कर सकते हो। और जब आपका एक साथ काम ये हो जाएगा तो उसके बाद भी आप मुझे वीडियो सेंड कर सकते हो। एक दिन में काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपने वर्क को समझ के करना है और नीट एंड क्लीन वर्क करना है। क्लियर? थैंक यू।